हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ मीशो हॉल। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका है, कॉर्सेट दिखाने जा रही हूँ मीशो से जो परचेज किए हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉर्सेट हैं, जिसमें से 2 मैंने ओपन कर लिए हैं। वो क्यों ओपन किए हैं वीडियो में आगे चल के मैं अभी आपको बता देती हूँ, और सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे प्रीवियस 2 वीडियो मेरी अपलोडेड हो चुकी होंगी, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा उसमें मैंने गिव अवे किया है, और गिव अवे के विनर आगे की आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी कंटिन्यू देखनी होगी। सब मतलब आपको अपडेट मिलती जाएंगी कि मैं फर्स्ट वीडियो का विनर कब अनाउंस करूंगी, सेकेंड का कब। पर गिव अवे में मैं जो चीजें देती हूँ वो मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। जो प्रीवियस 2 वीडियो थी उनमें जो मैंने गिव अवे की थी वो कुछ ज्वेलरी पीसेस किए थे, वो मैंने वीडियो में दिखा दिए थे। और इस वीडियो में मैं जो करने जा रही हूँ वो ये वाले हैं, दिखा देती हूँ आपको। नेक पीस है, ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, ग्रीन कलर में, और साथ में बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं इसके, ये देखिए। और उसके अलावा ये ग्रे कलर में है, दूसरे वाला चोकर सेट है, बहुत ही प्यारा है, और ये देखिए ग्रे कलर में बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये वाला। आप देखिए, ये देख बहुत ही प्यारा लगता है, छोट मतलब कि ये वाला चोकर सेट ग्रे कलर में, और साथ में इसके स्टड मिल जाएंगे, इसमें छोटे से स्टड हैं, ये देखिए दिए जाएंगे। जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करता आएगा, लाइक करता आएगा, देखता आएगा, और वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं आपको, मेरे चैनल को, आपको और मेरे को मिलके मेरे चैनल को ग्रो करना है। और जैसे जैसे मेरी फैमिली बड़ी होती जाएगी, यूट्यूब फैमिली, वैसे वैसे मेरे गिव अवे बड़े होते जाएंगे। अभी तो मतलब मैं अपने हिसाब से तो बहुत बड़े ही कर रही हूँ, 2 नेक पीस दे रही हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। और फिर अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कॉर्सेट हम देखते हैं कि वो कैसा है ना। तो मैं ये वीडियो में साथ की साथ ओपन करती हूँ क्या, बट ओपन करते करते देखिए एक ऐसा भी रहता है कि डर बना रहता है कि पता नहीं मीशो वाले क्या ही भेज देंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मैं अपलोड करूंगी जल्द ही, और वो मेरा रिटर्न नहीं गया पार्सल अभी तक, मतलब अभी तक क्या जाएगा ही नहीं। उसमें मैंने क्या मतलब वो बोलते हैं कि मैंने क्या गलती की है, वो मैं उसका स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो में बताने बैठूंगी तो देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग इतना वो देते नहीं हो वीडियो को वॉच टाइम, तो फिर वीडियो चलती नहीं है। देखिए कॉटन में है, बहुत ही प्यारा प्रिंट, मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रिंट, और फैब्रिक देख लूं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है ना। और कॉर्सेट देखिए कैसा है, वाओ। इसको पहनकर देखते हैं कि इसका फिट वगैरह मेरे कैसे आया है, और इसका प्राइस वगैरह भी मैं बता देती हूँ आपको कि इसका क्या प्राइस था, और इसको क्या मैं पॉइंट दूंगी कि इसकी क्वालिटी वगैरह फैब्रिक को लेकर, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी वो मतलब कि मैं एक बार इसका प्राइस वगैरह चेक कर लूं। सो अगर इस कॉर्सेट की मैं बात करूं तो कॉर्सेट की अगर फैब्रिक क्वालिटी देखें तो फैब्रिक क्वालिटी 10 out of 10 है, और प्रिंट बहुत अच्छा है, फिट बहुत अच्छा है, हाई एंड लो पैटर्न में है, दोनों तरफ स्लीव दोनों तरफ 2 पॉकेट हैं बॉटम में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, और इसका प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, 523 इसका प्राइस है। एक्चुअल में मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने माइक तो लगा लिया बट मैं माइक को कनेक्ट करना भूल गई मेरे से हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और इसलिए मैं इस कॉर्सेट को मतलब कि 10 out of 10 देती हूँ हर एक चीज़ में, हाईली हाईली रिकमेंड है, आप इसको। तो अभी सेकंड वाला भी हम
देख लेते हैं कि ये कैसा है। अभी इसको, उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा था। और अभी इसको सेकंड वाले को देख लेते हैं कि ये प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा है। ये वाला अभी मैं इस कलर में है, इसको मैं चेक कर लूं पहले इसका प्राइस क्या है, फिर अभी आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ। प्राइस चेक कर लूं बस इसका। हाँ, 417 इसका प्राइस है, 417 है ना। तो अब मैं प्राइस पहले देखूंगी और प्राइस के अकॉर्डिंग ही इसकी क्वालिटी रिव्यू वगैरह बताऊंगी। सॉरी, और इसकी क्वालिटी ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 530 का था, ये 417 का है। थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस है, इसलिए क्वालिटी में भी डिफरेंस है। देखिए, ये इसका बॉटम है, इलास्टिकेटेड फ्रंट एंड बैक साइड दोनों से, और पॉकेट लगी हुई है। सो अगर इस कुर्ता सेट की बात करूं, सॉरी कॉर्ड सेट की बात करूं, तो ये कॉर्ड सेट मुझे कॉस्ट किया है 417 रुपीज़ में। एंड इसका जो फिट वगैरह है बहुत अच्छा है, फैब्रिक की क्वालिटी थोड़ी सी थ्रू है, और ये भी हाई लो पैटर्न में था, बॉटम में दो पॉकेट थी, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता सेट भी। बट इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है कंपेयर टू जो फर्स्ट वाला था उसके कंपैरिजन में क्वालिटी थोड़ी कम है, चीप है, और इसलिए इसको मतलब कि 8 out of 10 point दिए जाते हैं। ये मैंने पहन रखा है ना, ये मैंने मीशो से परचेज किया था, और ये शर्ट ड्रेस है, और मैंने इसको सोचा कि अगर इसके साथ बॉटम पहन लिया जाए ये भी बहुत अच्छा कोट सेट लगेगा, मतलब एज ए कोट सेट बन जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट वाला खोल लेते हैं साथ की साथ। ये क्या, रॉन्ग प्रोडक्ट। ये देखिए, अब मंगवाया कोट सेट है और आया क्या है, देखिए क्या करें बताओ। ये देखो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये देखो, मंगवाया कोट सेट, निकली जींस। अब इसका क्या दिखाऊं मैं, आप मुझे खुद में ही समझ नहीं आता। चलो ठीक है, ये तो नई है जीन्स, ऐसे नहीं बोलूंगी कि पुरानी सेंड कर दी, तो मतलब कि उसमें तो साड़ी पुरानी सेंड कर दी है ना, जो आया है जयपुर से ही आया है, जयपुर वालों ने जयपुर वालों के साथ ही ठगी की है। 500 में ये देखिए गंदी सी जीन्स है, ये 550 की है क्या, ये 200-250 में आ जाती है ये वाली, और बिल्कुल मतलब क्या है इसकी क्वालिटी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता, और ना ही मुझे इसते हैं कि ये कैसा है, देखते हैं क्या करें। अब मेरा मूड खराब कर दिया उन्होंने, मतलब अगर नहीं था तो ऑर्डर कैंसिल कर देते। हाँ, ये तो इसका तो ध्यान है मेरे को, जो मंगवाया था ये बिल्कुल सही आया है। इसका फैब्रिक पॉलिस्टर है, हाँ इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है। ये शॉर्ट में है, वो थोड़े लॉन्ग में थे और ये थोड़ा शॉर्ट में है, बाकी पहनने पे इसका लुक सही पता चलेगा कि कैसा है ना। दिखने से तो अच्छा लग रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह प्राइस देख लेती हूँ कि इसका क्या है मैं अभी, फिर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इसका बता देती हूँ कि क्यों। मैं तो हमेशा यही है कि प्राइस देखते हैं फिर प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी देखती हूँ। 573, हाँ ठीक है, जो पहले वाला देखा था ना उसके कंपेयर में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, क्योंकि पहले वाले की क्वालिटी सबसे पहले जो था उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसका प्राइस ओनली 530 था, इसका प्राइस 573 है, और उसके कंपेयर में इसकी क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। और साथ में इसके बेल्ट भी आया है, बेल्ट भी दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है इसकी, थोड़ी सी ये देखिए
ये देखिए आपको अगर धागे दिख रहे हो, ऐसे तो धागे दिख रहे हैं ना, इलास्टिकेटेड है फ्रंट एंड बैक साइड से। और देखिए हमेशा इलास्टिक पे एक ऐसे ना सिलाई की जाती है ताकि इलास्टिक ऐसे फोल्ड नहीं हो। अगर कैमरा में सही से कैप्चर हो रही है तो देखिए इलास्टिक पे सिलाई नहीं करी, तो ये अपने जब पहनेंगे ना तो इलास्टिक ऐसे मुड़ जाएगी, तो सिलाई तो एक करनी चाहिए थी। इस तरह से बॉटम है, थोड़ा हल्का फैब्रिक है, प्राइस के अकॉर्डिंग है ना, मतलब ये तो रिकमेंडेड नहीं है। और ये इसका बेल्ट है, प्रिंट जरूर इसका अच्छा है, ये इसका बेल्ट है। बाकी इसको पहनने पे पूरा इसका लुक पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और ये ब्लैक कलर में है, तो मैंने बताया था ना कि ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है। बताऊं कि 250 में 270 में आप बाकी इसको पहने हुए को देखोगे ना, ये देखिए लॉन्ग में है, फैब्रिक भी अच्छा है क्वालिटी, और इस तरह से कॉलर नेक है। बाकी इसको पहनने प्रिंट बहुत अच्छा है इसका। ये इसका बॉटम है, पठानी बॉटम है ना, पठानी सलवार है। बाकी पहनने पे इसको लुक आएगा। और ये नेक्स्ट, ये कॉटन में है इस तरह से। सबको अभी मतलब कि इसका प्राइस मैंने 270 बताया है ना, और इसका प्राइस भी 270 है ये वाला इसका शर्ट है ना। कॉलर नेक है शर्ट के, और पेपलम टाइप में है, आपको कैमरा में अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। बाकी मैं इसको पहनकर आती हूँ, फिर अपने बताती हूँ कि क्या क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसका प्राइस है। आपके साथ मजाक करते करते मेरा खुद का मजाक बन गया। आप सोचोगे कैसे, क्योंकि मैंने ये जो सामने वीडियो चल रही है इसमें रिवील कर दिया था कि ये दोनों कुर्ता सेट मैंने मीशो से परचेज नहीं किए हैं। बट क्या मेरे माइक को मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए वीडियो की ऑडियो मिस हो गई, तो मेरा खुद का ही मजाक बन गया। और मैं बता दूं इनकी छोटी सी स्टोरी है, वो मैंने वीडियो में बताई थी। क्या ये जो ब्लैक वाला कुर्ता सॉरी कॉर्ड सेट आपको दिख रहा है, मैंने ये मीशो पर देखा 927 रुपीज़ में, और मुझे एक दिन स्क्रॉल करते करते इंस्टा पे है ना 5 मीटर फैब्रिक दिखा 240 का, जो ब्लैक वाला, फिर मैंने वो सिमिलर सा फैब्रिक था, मैंने वो ऑर्डर दे दिया और उसका ये कॉर्ड सेट बना लिया, साथ में पठानी सलवार। ये मुझे 240 का फैब्रिक और 30 ऊपर खर्चा आ जाता है, तो इतने में पड़ा। और जो दूसरा पास वाला है वो मैं सीकर हाउस मार्केट जयपुर से 200 का फैब्रिक लाई थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे 4-4 मीटर के फैब्रिक जो बच जाते हैं वो ऐसे सस्ते में निकाल देते हैं, तो वो भी मुझे 270 कॉस्ट किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे खुद के बनाए हुए कॉर्सेट क्या अच्छे लगे आपको, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे। वैसे तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर हर कोई ट्राई करता है अपने बेस्ट देने का। ऐसे ही मैं ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट देने की, फिर भी मेरे में कोई कमी रह जाती है, वो तो रहती है हर एक इंसान में। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसको अप्लाई करने में। और आज का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो लगा बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे मेरी न्यू वीडियो की। मैं ऐसी हॉल वीडियो और मार्केट की ऐसी वीडियो जिसमें आप रिटेल में परचेज कर सकते हैं लाती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।